आज का हमारा व्याख्यान है मतदान व्यवहार पर। मतदान व्यवहार का आशय यह है कि मतदाता अपने मताधिकार के प्रयोग में किन तत्वों से प्रभावित होता है, किन तत्वों से प्रभावित होकर व्यक्ति किसी दल या व्यक्ति के पक्ष में मताधिकार का प्रयोग करता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन चुनाव के पूर्व भी किया जा सकता है और चुनाव के बाद भी। मतदान व्यवहार के अध्ययन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में हम चर्चा करते हैं। मतदान मनोवैज्ञानिक तत्वों से प्रेरित एक गूढ़ राजनीतिक प्रक्रिया है जो अनेक आंतरिक और बाहरी तत्वों से प्रभावित होती है। स्वाभाविक रूप से इसके अध्ययन में कुछ कठिनाइयां आती है जो इस प्रकार है। पहली कठिनाई है सामान्य निष्कर्ष निकालना संभव नहीं होता क्योंकि एक क्षेत्र का मतदान व्यवहार दूसरे क्षेत्र से भिन्न होता है। विभिन्न क्षेत्रों में विद्यमान प्रवृत्तियों के लंबे अवलोकन के पश्चात ही परिणाम पर पहुंचने की आशा की जा सकती है। दूसरा है भारत जैसे विविधता वाले देश में केवल कुछ शीर्षकों के अंतर्गत संपूर्ण देश के मतदान व्यवहार का अध्ययन नहीं किया जा सकता। तीसरा है सबसे प्रमुख कठिनाई यह है कि जिन व्यक्तियों का साक्षात्कार किया जाता है उनमें से अनेक अध्ययनकर्ता के प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं। जो उत्तर दे सकते हैं वे जानबूझकर उत्तर नहीं देते। वे अध्ययनकर्ता को किसी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि या शासन का व्यक्ति मान लेते हैं। साक्षात्कार के अंतर्गत भाषा की कठिनाई सामने आती है। मतदान व्यवहार की कठिनाइयों को आंशिक रूप से दूर किया जा सकता है जबकि अध्ययनकर्ता संबंधित क्षेत्रों की राजनीति, संस्कृति और आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों से पूर्णतया परिचित हो और उनके द्वारा लंबे समय तक किए गए अध्ययन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाएं। वास्तव में मतदान व्यवहार का अध्ययन बहुत समय, धन और श्रम की मांग करता है। मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों का अब हम अध्ययन करते हैं। वे प्रमुख तत्वों के बारे में हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। भारत में मतदान व्यवहार के प्रथम आधिकारिक अध्ययन में कहा गया है कि मतदान में भाग लेने वाले लोगों का अनुपात जनसंख्यात्मक लक्षणों और सामाजिक आर्थिक पद के अनुसार बदलता रहता है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति स्त्रियों में पुरुषों से अधिक, निरक्षरों में, साक्षरों से अधिक, कम आय समूहों में ज़्यादा आय समूह से अधिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों में सामाजिक दृष्टि से उन्नत वर्गों की तुलना में अधिक होती है। मतदान में भाग न लेने की प्रवृत्ति उनमें भी अधिक होती है जिन्हें कम राजनीतिक सूचना प्राप्त है अथवा जिन पर संचार के साधनों और अन्य दबावों का प्रभाव कम है। अब मतदान के संबंध में महिलाओं या कम शिक्षित व्यक्तियों की स्थिति में परिवर्तन आ रहा है। अब तक संपन्न लोकसभा एवं विधानसभा चुनावों के आधार पर मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले तत्वों की संक्षेप में विवेचना इस प्रकार की जा सकती है। ये प्रमुख तत्व हैं जिनमें पहला तत्व है नेतृत्व। अब तक हुए चुनाव विशेषतया लोकसभा चुनावों में मतदाता को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है नेतृत्व। प्रथम तीन आम चुनावों में कांग्रेस की विजय का कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू का करिश्माती व्यक्तित्व था। 1971 के चुनाव में कांग्रेस की विजय का कारण श्रीमती इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व तथा 1977 के चुनाव में कांग्रेस की पराजय का कारण भी इंदिरा गांधी की छवि का धूमिल होना था। 1980 एवं 1984 में कांग्रेस की विजय इंदिरा गांधी एवं राजीव गांधी के व्यक्तित्व के कारण रही। 1989 में कांग्रेस राजीव गांधी की छवि के धूमिल होने के कारण पराजित हुई। 1998 के चुनाव में वाजपेयी के नेतृत्व का एनडीए को लाभ पहुंचा। 2014 एवं 2019 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ा तथा भाजपा को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेतृत्व का मतदान व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा है
राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा। भारतीय मतदाता सामान्यतया राजनीतिक स्थायित्व और केंद्र में सुदृढ़ शासन चाहते हैं। 1977 से पूर्व कांग्रेस को समर्थन प्रदान किए जाने का एक प्रमुख कारण यही रहा। 1980 एवं 1984 में इंदिरा कांग्रेस को भारी बहुमत दिया। 1989 से 2014 तक जनता के समक्ष न तो अखिल भारतीय दल था न अखिल भारतीय व्यक्तित्व है। दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों की शक्तियों में निरंतर वृद्धि हुई। हालांकि इन वर्षों में भी गठबंधनों को बहुमत मिला। 2014 एवं 2019 के चुनाव में ने साबित कर दिया कि भारतीय मतदाता स्थायी और सुदृढ़ सरकार चाहता है। तीसरा कारण है आर्थिक स्थिति। व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करती है। एक प्रमुख तथ्य है कि व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति अच्छे होने पर मतदाता शासक दल के पक्ष में मतदान करता है, अन्यथा विरुद्ध। 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा के पराजय का मुख्य कारण बढ़ती हुई महंगाई से उत्पन्न जनता की आर्थिक कठिनाइयां थी। 16वीं लोकसभा के चुनाव 2014 में यूपीए की हार का प्रमुख कारण जनता की आर्थिक कठिनाइयां थी। लगातार बढ़ती महंगाई ने निजात पाने के लिए यूपीए के स्थान पर भाजपा को वोट दिया। इस तरह आज के इस व्याख्यान में हमने कुछ जो कारण हैं जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जिनमें नेतृत्व, राजनीतिक स्थिरता और केंद्र में सुदृढ़ सरकार की आकांक्षा और तीसरा आर्थिक स्थिति, इन पर चर्चा की। अन्य तत्वों के ऊपर हम आगामी व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।